अब हम बात करते हैं टेस्ट्स की, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, टेस्ट्स। अब हम फिजिकल एकेडमी के टेस्ट्स को topgrade.pk जो कि एक ऑनलाइन एकेडमी है उसके टेस्टों के साथ कंपेयर करते हैं। फिजिकल एकेडमी में जो टेस्ट होते हैं वो मोस्टली यूनिट वाइज होते हैं, इसके मुकाबले में topgrade.pk में जो टेस्ट होते हैं वो टॉपिक वाइज भी होते हैं। यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आई वुड से ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कि जब आप एक पूरे यूनिट के 10-15 टॉपिक्स का इकट्ठा टेस्ट देते हैं तो आप हर एक टॉपिक के अंदर परफेक्शन नहीं अचीव कर पाते, आपको समझ नहीं आती, आपकी एक सेंस ही डेवलप नहीं होती कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एग्जाम क्वेश्चंस पूछता कैसे है। सो यूनिट वाइज में ये मसला है जो कि फिजिकल एकेडमी के टेस्टों के साथ मसला है। इसके मुकाबले में टॉप ग्रेड में जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के स्कोप में रह के टेस्ट देते हैं कोई 30, 50, 60, इवन 100 सवालों का, तो ऑल एंगल से वो टॉपिक आपका परफेक्शन तक चला जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल एकेडमी के यूनिट वाइज टेस्ट हैं उनकी मदद से आपकी ग्रॉस प्रेपरेशन होती है, जबकि topgrade.pk के जो टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट हैं उनकी मदद से बड़ी ज़्यादा फाइन ट्यून्ड तैयारी होती है। सो मैं बल्कि बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आपने एंट्री टेस्ट में गारंटेड सक्सेस हासिल करनी है तो आप यूनिट्स को दिमाग से निकालें और टॉपिक्स को दिमाग में लेके आए। अब इस तरह से सोचा करें कि फिजिक्स में 345 टॉपिक्स हैं और 345 में से मेरे 57 प्रिपेयर हो गए, बाकी रह गए। सो आप टॉपिक पर टॉपिक अगर तैयारी करते हैं, टॉपिक वाइज आप लेक्चर सुनते हैं, टॉपिक वाइज आप नोट्स की रिवीजन करते हैं, टॉपिक वाइज आप बुक पढ़ते हैं, फिर टॉपिक वाइज ही आप पास क्वेश्चंस करते हैं, टॉपिक वाइज ही अगर आप टेस्ट देते हैं, तो ये चीज़ आपकी प्रेपरेशन को परफेक्शन तक ले जाती है, राइट। सो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल वे है या एक्सेप्शनल एडवांटेज है topgrade.pk के पास कि आपसे टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, यूनिट वाइज भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिट वाइज नहीं लेते। सो टॉपिक वाइज के साथ हम यूनिट वाइज क्वार्टर सिलेबस, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस और जौन सा भी सिलेबस आप सोच सकते हैं, पूरे सिलेबस में से एक टॉपिक से लेके सारी बुक्स के सारे सिलेबस तक आप जितनी मर्जी एक्सटेंड का चाहें जब चाहें टेस्ट दे सकते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन बैंक है ये वन ऑफ इट्स काइंड है इन द होल वर्ल्ड, जो कि जैसे आप सोच सकते हैं वैसे आपसे टेस्ट ले लेगा। फिजिकल एकेडमी में बस कन्वेंशनल वे में यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, फिर क्वार्टर सिलेबस, हाफ सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, राइट। सो उसमें जो आपकी इंडिविजुअल नीड्स हैं टेस्ट देने की वो फुलफिल नहीं हो रही। सो ये एक बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है topgrade.pk का फिजिकल एकेडमी के मुकाबले में। दूसरे नंबर पे फिजिकल एकेडमी में एक बहुत बड़ा मसला जो बच्चों को पेश आता है वो ये है कि टेस्ट घरों में नहीं ले जाने दिए जाते। तो इससे बड़ी दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, वो क्लासों में एकेडमियों में टेस्ट चोरी भी करते हैं, जो कि एक अनएथिकल कंडक्ट है, और चूँकि बच्चे उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। और इसके मुकाबले में topgrade.pk में जितने भी टेस्ट आपने दे दिए हैं, जितने टेस्ट आप इवन फ्यूचर में देंगे, 100% टेस्ट आपको 24/7 फ्यू क्लिक्स पे अवेलेबल। सो और वो टेस्ट जो है वो बहुत, एक तो वो टॉपिक वाइज भी हैं, वो यूनिट वाइज भी हैं, क्वार्टर, हाफ, फुल सिलेबस भी, या जिस तरह मर्जी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सारे के सारे टेस्ट ऑल द टाइम आपके पास अवेलेबल है। आपने जिस जिस तरीके से भी टेस्ट क्रिएट किए होंगे, एक प्रीवियस टेस्ट का मॉड्यूल है वहाँ पे आपके वो सारे प्रीवियस टेस्ट भी पड़े होंगे, और पूरे का पूरा एक क्वेश्चंस का बैंक है जहाँ पे फ्यूचर में जो टेस्ट आप क्रिएट करेंगे वो पड़े होंगे। सो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास पास्ट के और फ्यूचर के सारे टेस्ट 24/7 अवेलेबल हैं। और ये अकेडमी में इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिजिकल अकेडमी आपको टेस्ट घर ले जाने ही नहीं देती। उसके बाद फिर जो फिजिकल एकेडमी है वहाँ पे पास्ट एमसीक्यूज हर टॉपिक के लिए सेपरेटली अवेलेबल नहीं है। आमतौर पे या तो वो आपको जो एक्चुअल पास्ट पेपर्स हैं वो कॉपी करवा के दे देते हैं, या समटाइम्स पीडीएफ शेयर कर देते हैं, या यूनिट वाइज उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज किए होते हैं उनके क्वेश्चन। जबकि topgrade.pk की टीम ने सैकड़ों हज़ारों घंटों की मेहनत करके इतने डेकेड्स के क्वेश्चन पोल्स को कंपाइल करके उनको टॉपिक बाय टॉपिक स्प्लिट किया है। सो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लस ये है कि सारे के सारे पास्ट क्वेश्चन टॉपिक वाइज अवेलेबल है। एक गिवन टॉपिक के अगेंस्ट आप सारे के सारे पास क्वेश्चंस को रिट्रीव कर सकते हैं, उनका अलग से टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का टेस्ट देना है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके आप एंट्रेंस एग्जाम्स को सोच सकते हैं,
उन सब के पास क्वेश्चंस को हमने इस तरह से कंपाइल करके आपको दे दिया है कि आप किसी एक या एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के पास क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है। से अगर आपने एमडी कैट देना है या आपने ईकैट देना है तो यूएचएस या यूटी का आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के एक पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करेंगे और उसमें से आप चूज करेंगे जी यूएचएस के पास क्वेश्चन या यूटी के पास क्वेश्चन। से प्रोजेक्टाइल मोशन में से यूटी के पास क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे आप इजीली रिट्रीव कर सकते हैं कि यूटी में पिछले 20 साल में प्रोजेक्टाइल मोशन में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सो ना सिर्फ आप उन क्वेश्चन का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, साथ साथ अपनी गलतियाँ देखेंगे, जो गलत होंगे उससे आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे उन क्वेश्चन की और अपनी गलतियों से सीखेंगे भी। सो ऐसा करने से ये होता है कि जब आप एक टॉपिक के 20 साल के क्वेश्चन को देख लेते हैं उससे आपको एक तो ये समझ आती है कि इस टॉपिक की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस कितनी है और इन्हीं स्टैट्स के बेस पे हमने इंपॉर्टेंस के टैग्स भी टॉपिक्स को लगाए होते हैं। हमारा सिस्टम आपको ये भी बता रहा होता है पास एग्जाम ट्रेंड्स को देखते हुए कि कौन सा टॉपिक कितना अहम है। सो एक तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आती है एंड सेकेंडली यू आर एबल टू लर्न ईच टॉपिक थ्रू द आईज ऑफ एग्जाम। आप इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हर एक टॉपिक को सीख पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है और टॉप ग्रेड वाहिद अकेडमी है, फिजिकल अकेडमीज में भी ये फीचर नहीं है और इवन ऑनलाइन सिस्टम्स अगर किसी और ने डेवलप भी किए हैं तो उन किसी के पास भी पाकिस्तान में ये फीचर नहीं है। topgrade.pk इज दी ओनली इंस्टीट्यूशन जो कि टॉपिक वाइज इतना बड़ा इतना वर्सेटाइल क्वेश्चन पूल ऑफर करता है, वो भी विद सॉल्यूशंस। और उसके बाद फिर फिजिकल एकेडमी में आपने टेस्ट खुद मार्क करने होते हैं, ठीक है जी, टेस्ट हो गया उसके बाद डिस्कशन होगी, डिस्कशन के दौरान आप खुद चूज कर रहे हैं जी मेरा ये सवाल सही हुआ है या गलत हुआ है। इसके मुकाबले में topgrade.pk में हर टेस्ट की ऑटोमेटिक मार्किंग हो जानी है। टेस्ट की क्या, आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं सो अटैम्प्ट करते हुए जो सवाल आपका गलत होगा वहीं पर सिस्टम आपको बता देगा ये सवाल आपका गलत है और वहीं पर आप एक्सप्लेनेशन देख के राइट देन एंड देयर उससे सीख पाएंगे। और उसके बाद फिर फिजिकल एकेडमी के अंदर जो टेस्ट की डिस्कशन है वो बड़ी दफ़ा डिले हो जाती है। लाइक आज आपने टेस्ट दिया, मे बी 3 या 4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद जाके उसकी डिस्कशन होनी है। जब वो टेस्ट और उसका स्कोप ही आपके दिमाग से निकल चुका हुआ है या जिस टॉपिक जिस चैप्टर में से वो टेस्ट था वो उसका स्कोप ही आपके दिमाग में से निकल चुका हुआ है, सो आप उस टेस्ट से उस तरह से इस्तेफादा ही हासिल नहीं कर पाते। और बड़ी दफ़ा तो ऐसे भी होता है फिजिकल अकेडमीज के अंदर कि जो पूरे हफ्ते में टेस्ट लिए बस संडे को सारे इकट्ठे रखकर डिस्कस करा दिए। सो इससे आप हर क्वेश्चन से अच्छी लर्निंग ही नहीं ले पाते। इसके मुकाबले में topgrade.pk में हर क्वेश्चन की साइड बाय साइड डिस्कशन है और जो टेस्ट की डिस्कशन है एकेडमीज की उनमें एक और बहुत बड़ा मसला ये है, से आपने टेस्ट दिया 100 क्वेश्चंस का, उन 100 क्वेश्चंस में से आपके 15 गलत हो गए और 85 आपके ठीक हैं, लेकिन टीचर ने आपको फिर भी यही कहना है या एकेडमी का सिस्टम आपको यही कहेगा क्लास में बैठो और 100 के 100 सवालों की डिस्कशन अटेंड करो, जो आपको आता है वो भी दोबारा सुनो हमसे, राइट। और इसके मुकाबले में topgrade.pk में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाएं और जो सवाल आपका गलत होता है या जिस क्वेश्चन में आप डाउटफुल हैं कि यार मुझे कॉन्सेप्ट इसका प्रिसाइज नहीं है, बस उसकी एक्सप्लेनेशन देखते जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। और इसके अलावा एक और तरीके से भी टाइम वेस्ट होता है फिजिकल अकेडमीज के अंदर कि टेस्ट की डिस्कशन के दौरान अगर कोई फिलोसफर टीचर से बहस शुरू कर दे किसी क्वेश्चन के ऊपर तो वो कई दफ़ा ठीक ठाक टाइम एक ही बचा ले जाता है। 1 घंटे का लेक्चर होता है उसमें से भी कई दफ़ा 10 से 15 मिनट एक ही बच्चा ड्रेन कर जाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टिंग पॉइंट है डिस्कशंस के दौरान क्लासों में जो बहस शुरू हो जाती है। topgrade में ये वाला मसला भी उस तरह से नहीं है। सो फिजिकल अकेडमीज की टेस्ट डिस्कशन डिलेड है, आपको सारे सवाल डिस्कस करने पड़ते हैं और वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। topgrade में टेस्ट की डिस्कशन हर क्वेश्चन के साथ साथ है, अटैम्प्ट करते हुए इंस्टेंट है और सिर्फ जो गलत सवाल हैं बस आप उनकी डिस्कशन ले सकते हैं, चाहे तो सारी डिस्कशन भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। सो जिस तरह से आपको अपने टाइम का बेहतर आपको टाइम की यूटिलाइजेशन मिलती है, बेहतर यील्ड मिलती है, आप उस तरह से इस्तेफादा हासिल करें। और थर्डली जो topgrade.pk की जो MCQs की प्रैक्टिस है या टेस्ट हैं ये टाइम सेविंग है, राइट, इससे आपका टाइम उल्टा बचता है। और फिजिकल अकेडमी बेसिकली पूरे सेशन के दौरान आपको 6 से 8 हज़ार MCQs की प्रैक्टिस करवा देगी, इसके मुकाबले में topgrade.pk आपको पूरे सेशन के दौरान 28,000 से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करवाती है। 28,000 से ज्यादा का मतलब यह है ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। topgrade का बड़ा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है आपको तैयारी करवाने का, और वो प्रिंसिपल क्या है,
कि वी मेक यू लर्न थ्रू क्वेश्चंस। हम ये कहते हैं कि वो तमाम गलतियाँ जो आपने एग्जाम में जाके कर रही हैं वो हम आपसे पहले ही करवा लें। द बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम। सो हमने इतना वर्सटाइल और इतना वसी और रीज क्वेश्चन बैंक इसलिए रखा है, हर टॉपिक के ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस एंड पास्ट क्वेश्चंस आपको इसलिए दे दिए हैं कि आप उन क्वेश्चंस के थ्रू जब जाएं और उनमें से मैक्सिमम गलतियां कर लें और अपनी गलतियों से सीख लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये आपको लर्निंग का पर्पस देता है। अच्छा, जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस बिलीव करते हैं या बच्चे भी ज़्यादातर बिलीव करते हैं, टीचर्स भी यही बिलीव करते हैं कि MCQs ये वर्ल्ड का नंबर वन इवेल्यूएशन टूल है, और इसके मुकाबले में टॉप ग्रेड का, और मेरा बिलीफ ये है कि टॉप ग्रेड के जो MCQs हैं ये वर्ल्ड नंबर वन इवेल्यूएशन टूल के साथ साथ ये वर्ल्ड नंबर वन प्रेपरेटरी टूल भी है कि हम सवालों की मदद से तैयारी को ज़्यादा फोकस करते हैं। देखें, सवाल, अगर कोई भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं और उस टॉपिक को पढ़ते हुए आपके दिमाग में सवाल नहीं है तो आपकी जो लर्निंग होगी वो पैसिव लर्निंग होगी। सो लर्निंग अ टॉपिक विदाउट क्वेश्चंस इज पैसिव लर्निंग एंड लर्निंग अ टॉपिक विद क्वेश्चंस इज एक्टिव लर्निंग। आई एम नॉट वरीड इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड यू आर गेटिंग देम रॉन्ग। आपने 100 सवालों का टेस्ट दिया, आपके 50 भी गलत हो गए, परेशानी की बात नहीं है, आप प्रेपरेटरी फेज में हैं, आप हर एक गलती से सीखेंगे, ऑनवर्ड्स आपकी गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। बट आई एम रियल टाइम वरीड इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एट ऑल। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं तो ये चीज़ परेशानी की बायस है। सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि क्वेश्चंस ये वर्ल्ड्स नंबर वन प्रेपरेटरी टूल है। इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू फाइंड समथिंग यू मस्ट फर्स्ट लर्न हाउ टू हाइड समथिंग। इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन यू मस्ट फर्स्ट लर्न हाउ टू राइट अ क्वेश्चन। द पॉइंट आई वॉन्ट टू जनरेट इज वेन एवर यू आर स्टडिंग योर टेक्स्ट बुक फॉर द प्रेपरेशन ऑफ योर एग्जाम always keep in mind certain words like what, when, where, which, why, how, who. Think like scientists, think like critics, think like teachers, think like paper setters, think like examiners. या सादा लफ्जों में मैं अगर आपको ये बात बताना चाहूँ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी दर्सी किताब को, अपनी टेक्स्ट बुक को फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ेंगे, आप एक ऐसा हाइपोथेटिकल चश्मा लगा के किताब को पढ़ें कि आपको किताब में ब्लंट टेक्स्ट नज़र ना आए बल्कि क्वेश्चंस नज़र आएं, एंड देन यू रीड योर टेक्स्ट बुक इन क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। फिर आप किताब को पढ़ें उन सवालों के जवाबों के तलाश के लिए, राइट? सो इस तरह से आप एक्टिवली कंटेंट को कंज्यूम करेंगे। टॉप ग्रेड ने आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए ही इसलिए हैं कि बेसिकली इन्हीं सवालों में से आपका 99% पेपर आ जाना। सो हम इतने ज़्यादा सवाल, या इन सवालों की वेरिएशन हो सकती है थोड़ी बहुत, हम इतने ज़्यादा सवालों के साथ आपको एक्सपोज कर देते हैं कि आपकी अपनी टेस्ट क्रिएटिंग एबिलिटी पैदा हो जाती है। आपको पास क्वेश्चंस का पता है, आपको एग्जाम ट्रेंड्स का पता है, आपको ये पता है कि हर टॉपिक में से सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप हमारा ये सारे का सारा क्वेश्चन बैंक कंज्यूम कर लेते हैं तो जो इंशाल्लाह इम्तिहान आएगा वो किसी एग्जामिनर का नहीं बल्कि आपका बना हुआ इम्तिहान होगा, क्योंकि जब आपने ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस को और उनकी वेरिएशंस को कवर कर लिया टॉप ग्रेड ऐप के ज़रिए, तो अब पेपर भी आप अपना खुद ही सेट करेंगे और उसमें आपकी जो कामयाबी होगी इंशाल्लाह वो भी यकीनी होगी। सो अगर हम टेस्ट के बारे में एक और बात करें कि आपको कई दफ़ा इंडिविजुअलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड वे में टेस्ट देने की ज़रूरत पेश आती है। आप कहते हैं यार क्या काश को ऐसा तरीका होता कि फिज़िक्स में मैंने आज तक कोई 25 टेस्ट दिए हैं और हर टेस्ट में मेरी 5-7 गलतियाँ हुई थी। कोई ऐसा वे नहीं है कि वो सारे गलत क्वेश्चंस का इकट्ठा मेरे से टेस्ट ले लिया जाए। ये बात अगर आप जाके एकेडमी के मैनेजर को कहेंगे कि भाई मेरे से ऐसा टेस्ट लो, वो शायद आपका सर फाड़ देगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन टॉप ग्रेड ऐप के ज़रिए ऐसा टेस्ट या कोई भी टेस्ट जो आपकी इंडिविजुअल नीड है विद इन सेकेंड्स आपसे विद इन फ्यू क्लिक्स क्रिएट करके आपको दे देगा। आप उस टेस्ट को क्रिएट करें अपनी मर्ज़ी से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको अटैम्प्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाएं।
सो बेसिकली एकेडमी, फिजिकल एकेडमी आपकी इंडिविजुअल या पर्सनलाइज्ड नीड्स के अकॉर्डिंगली आपसे टेस्ट नहीं लेती। talkrate.pk चूंकि पाकिस्तान नंबर वन सेल्फ स्टडी टूल है और ये डिज़ाइन भी इंडिविजुअल लर्निंग के लिए है, तो ये इंडिविजुअलाइज्ड वे में आपसे टेस्ट इफेक्टिवली ये टूल लेता भी है और आपकी तैयारी भी करवाता है। सो अगर आप टेस्टों की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि जो talkrate.pk के टेस्ट्स हैं ये फिजिकल एकेडमी के टेस्टिंग सिस्टम के मुकाबले में एटलीस्ट 20 टाइम्स बेटर है। मैंने वीडियो लेक्चर्स और रिवीजन नोट्स के बारे में ये कहा था कि 10 टाइम्स बेटर, लेकिन जो हमारे टेस्ट हैं या जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि सैकड़ों लोगों ने कैसे इस सिस्टम के ऊपर दिन रात मेहनत की है और जिस तरीके से बच्चों का फीडबैक आया है इसके ऊपर, वी नो फ्रॉम आर एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह कि ये किसी भी फिजिकल एकेडमी के मुकाबले में 20 गुना बेहतर आपसे टेस्ट हमारा सिस्टम लेगा और आपकी तैयारी करवाएगा। और टेस्ट आपको पता है कि ये आपकी एग्जाम प्रेपरेशन की जान होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं से ये आप मे बी किसी कोर्स के अंदर हैं, से MDCAT में आपने लॉगिन किया हुआ है और आपसे स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, जैसे ये एक स्टूडेंट है वो टेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप देखें कि बहुत सारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं, इसमें ईटा के पास क्वेश्चन हैं, नम्स के हैं, PMC के हैं, UHS के हैं। सो बच्चे ने नम्स और UHS के पास क्वेश्चन को पिक किया है, चाहता तो बाकी भी पिक कर लेता और उसके बाद उन दोनों पास क्वेश्चन को उसने चूज़ किया। उसमें से देखें फोर्स एंड मोशन में से 57 और वर्क एंड एनर्जी में से 35 क्वेश्चन आए हैं जो कि UHS और नम्स के मिला के, अकेले UHS के भी आप कॉल कर सकते थे, अकेले UET के भी कॉल कर सकते थे इस तरह से। सो इसमें इन दोनों देखें यूनिट्स को चूज़ किया है। अब यहाँ पे पहले सिस्टम ने बच्चे से पूछा भाई आपने किन पास क्वेश्चन का टेस्ट देना है, वो उन पास क्वेश्चन को चूज़ करता है, फिर वो सिस्टम पूछ रहा है कि भाई किन चैप्टर्स का टेस्ट देना है, चैप्टर्स पूछ लिए, फिर सिस्टम पूछता है कि भाई इन चैप्टर्स में से किस टॉपिक या किन टॉपिक्स का टेस्ट देना है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे ने एक टॉपिक चूज़ किया जी, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, इसको चूज़ किया। अब सिर्फ इस एक टॉपिक में पिछले 10 से 15 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, देखें 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं, सो ये क्वेश्चंस इनका टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। और देखें स्क्रीन में आपके सामने ये स्क्रीन पे टेस्ट आ गया, इसमें आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये UHS के MDCAT का पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट गिवन है, ऑप्शंस गिवन है, इसको आप बुक मार्क कर सकते हैं, आपने सही आंसर चूज़ किया और सिस्टम आपको देखें ये भी बता रहा है कि कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को देखा, कितनों ने अटैम्प्ट किया, कितने परसेंट का सही हुआ वगैरह वगैरह। और अगर आपका गलत होता है तो आप इवन इसकी एक्सप्लेनेशन भी राइट देन एंड देयर देख सकते हैं। सो ये देखें एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है, राइट। सो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि ये 20 टाइम्स बेटर क्वेश्चन बैंक है एज कम्पेयर टू एनी अदर फिजिकल एकेडमी, क्वालिटी के हिसाब से, ऑथेंटिसिटी के हिसाब से, वर्सटिलिटी के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से, आसानी के हिसाब से और एग्ज़ाम के साथ रेलेवेंस के हिसाब से, इन सारे रिस्पेक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्वेश्चन है इट्स 20 टाइम्स, क्वेश्चन बैंक जो है इट्स 20 टाइम्स बेटर देन द टेस्टिंग सिस्टम ऑफ एनी अदर फिजिकल एकेडमी। सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर, विजिट talkrate.pk एंड साइन अप फ्री टू गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST एंड GK एंट्रेंस एग्जाम्स।